नमस्कार, आज आपको वास्तुटॉक्स में फिर दोबारा स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो अगले 5 अप्रैल को रात को 9:09 के लिए दिया जलाने के लिए बोले हैं, उनके तात्पर्य क्या है और ये चीज को हम न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से इसको एनालिसिस करेंगे। ये है मेन मकसद, क्या मायने रखता है 5 अप्रैल 2020 9 PM to 9:09 PM तक दिया जलाने की। नाउ 5 अप्रैल 4 2020 और ये सब चीज को हम मिला देते हैं तो इट कम्स अराउंड 4। अब ये नंबर 4 टोटल आ रहे हैं लेकिन मोदी साहब कह रहे हैं कि 9:09 के लिए। ये चीजें कल भी हो सकता था क्योंकि अब तो सारे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सारे घर में बैठे हैं, तो ये आज शाम को भी हो सकता था, ये काल शाम को भी दे सकते थे, कोई तो बाहर है नहीं, सारे अपने अपने घर में जब चाहो तो बता दें, कभी तो जला सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये आज कल छोड़ के संडे के एक्सक्लूसिव क्यों चूज किया है और संडे को रात को 9 बजे भी फिर क्यों चूज किया है। अब देखिए उसकी जो न्यूमरोलॉजी एनालिसिस में फिफ्थ, पहले तो अप्रैल महीना दैट इज नंबर 4, फिफ्थ तारीख 5, 5, 4, 9 एंड 2020, इसमें 2 है, 9, 4, 13 नंबर 4। नंबर 4 आपकी न्यूमरोलॉजी भाषा में हम प्लानिटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ राहु। नाउ दिन क्या है, संडे, वीक का जो बिगिनिंग डे होता है संडे नंबर 1, ये सन को हम मानते हैं, नंबर दिया गया है, नंबर 1 जो है रिप्रेजेंट बाय सन। देन ईयर जो है 2020 अगेन इट इज नंबर 4 दैट इज राहु। तो टोटल 5 अप्रैल 2020 अगर ये सबको मिला देते हैं इट कम्स नंबर 13। नंबर 13 को हम यूजुअली एक अनलकी नंबर ही मानते हैं, ये भी मिलके फिर 4 आता है, अगेन राहु। 9 PM 9 मिनट्स के लिए, यानी कि शुरू करेंगे 9 बजे खत्म करेंगे 9:09 से, तो ये 9 + 9 दोनों मिलके 18, अगेन इट इज कन्वर्ट करते तो वो भी 9। 9 हमारा जोडियाक साइन न्यूमरोलॉजी प्लैनेट में हम इसको मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये बोथ सन एंड मार्स, सन एंड मार्स दे आर फायरी पावर। संडे के दिन कर रहे हैं सन, द डे इज डोमिनेटेड बाय सन, टाइमिंग इज 9, डोमिनेटेड बाय मार्स, और ये सन एंड मार्स बोथ आर फ्रेंडली नंबर टू ईच अदर एंड हम इसको न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि बोथ आर किंग एंड जनरल। तो एक राज्य में और किंग जनरल दोनों साथ में है तो नेचुरली वो राज्य का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है, और ये दोनों जब मिलजुल के कोई भी डिसीजन लेते हैं तो किसी तरह भी अटैक को ये एविल फोर्सेस को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको डिफीट कर सकते हैं। तो 1 and 9 एंड अगेन न्यूमरोलॉजी में जो रूट नंबर 1 to 9 ऑनली रूट नंबर, ये 1 and 9 ये दोनों इसी नंबर के अंदर बाकी सारे नंबर आ रहे हैं, और ये दोनों फायरी पावर जब एड हो जाएंगे साथ में तो दे कैन डिफीट एनी काइंड ऑफ एविल फोर्सेस। और ये जो मुहूर्त जो 9 जो 9 बजे टाइमिंग लिया उसके अंदर और एक लगना मुहूर्त कहते हैं ना, मुहूर्त चागुड़िया टाइम कहते हैं, ये दिल्ली के ऊपर उस वक्त सन की लगना है, सूर्य की लगना में चल रहे हैं। तो लग्न में आपको सूर्य मिल गया नंबर 1 मिले, एक्टिविटी नंबर 9 हम दिया जलाएंगे, लाइट देंगे, एंड ये जो लाइट अगेन इट्स काइंड ऑफ फायर, अगेन इट्स फायरी पावर।
तो लग्ना डे मुहूर्ता ये सब मिला के ये जो टोटल कॉम्बिनेशन ये आ रहा है तो ये फायरी पावर क्रिएट हो रहा है देखिए एविल फोर्स को डिफीट करने के लिए। नाउ देखिए अगर एविल फोर्स क्या है कोविड 19 और इसकी भी हम न्यूमरोलॉजी का वैल्यू निकालते हैं न्यूमेरिक वैल्यू निकालते हैं तो ये भी आपके नंबर 4 ही आ रहा है। देखिए कितना मजे की बात ये है नंबर 4 जो राहु इज द एविल फोर्सेस एंड 2020 इज द राहु तो ये राहु के काम है कि ये जो कुछ करेगा एक्सट्रीम करेगा जो भी बुराई होगा जो भी कुछ इंसिडेंट होगा सारे एक्सट्रीम जो हम हर साल ये साल में शुरुआत से हम ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो सेंस डाउन रहा था बुरी तरह डाउन आ रहा है कोई बिजनेस लॉस हो रहा था बुरी तरह लॉस हो रहा है हर कहीं का आपके वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है आप सारे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने इसको चूज किया है आफ्टर सनसेट। जनरली एविल फोर्स सारे सनसेट के बाद ही एक्टिव होते हैं और सनसेट बाद जब एक्टिव होते हैं हमने उसी टाइम ये बहुत फायर पावर इंस्टिगेटिंग अनदर फायर पावर बाय लाइटिंग द दियाज एंड टॉर्चेस लाइट टू डिफीट दैट एविल पावर। नो डाउट दिस इंप्लीकेशन द इम्पैक्ट विल बी ग्रेट ऑन दिस। हमने इससे पहले जो किया था 5 मिनट के लिए हमने हरे एक घंटा बजाए थे उसके भी इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा रहा। इवन साइंटिस्ट वाले ये चीज़ें को माने हैं नासा में ये चीज़ को माना है कि हाउ द इम्पैक्ट ऑन दिस अर्थ अबाउट द नॉइस। ये तो सारे हमारे एंसिएंट टाइम में हम इसको घर में शाम होते दिया जलाते हैं दरवाजे के सामने जलाते हैं मंदिर में घर के अंदर भी मंदिर वहाँ जलाते हैं घंटा झाली शंख ये बजाते हैं ओनली टू एट दैट मोमेंट शाम के आफ्टर सनसेट जो एविल फोर्स जब एक्टिव होते हैं ये घर में ना आए घर के अंदर कोई अनिष्ट ना करे तो इसको वार्ड अप करने के लिए ये सारे चीज हम बोला करते थे। ये एंसेंट टाइम है चाहे कोई इसको मान नहीं है ना मैं इसका जरूर मानना है इट हैज अ इम्पैक्ट। तो ये सारे अल्फाबेट्स एंड नंबर की वाइब्रेशन को आप जितना समझ सकते हैं अगर ये आपकी इम्पैक्ट लाइफ पे बहुत अच्छी तरह इम्पैक्ट दे सकता है प्रोवाइडेड आप इसको ठीक तरह से स्टडी करें एंड आपकी यूटिलाइजेशन के लिए यूज करें। नंबर वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड नेम दोनों की जो न्यूमेरिक वाइब्रेशन दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जैसे ही सिंक्रोनाइज होते हैं आपको ब्यूटीफुल वाइब्रेशन देते हैं जो आपके लाइफ पाथ को चेंज कर सकता है लाइफ पाथ को बहुत अच्छी तरह से ट्राई कर सकता है और जहां पे ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होते वहां पे हमारा लाइफ स्ट्रगल दुख सफरिंग में भरा रहता है। ये मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए vastutalks.com इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर वास्तु के ऊपर ये चीज आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो आपके डे टू डे लाइफ की बेहतरीन करने के लिए। मैं पल्लव कुमार वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट थैंक यू।